जमीन विवाद की खबर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। प्रयागराज जिले के अंतर्गत करछना तहसील के सिमरी तालुका पूर्वा गांव में बीते 6 महीने से तालाबी नंबर पर हुए निर्माण के विवाद भी चल रहे थे, जहां पर दिनांक 3 जुलाई को राजस्व विभाग की टीम वहां पर नाप करने के लिए पहुंची। जैसे ही नाप करके टीम वहां से लौटे, कवरेज कर रहे पत्रकार सुशील कुमार पांडे को दिलीप कुमार दुबे पुत्र ब्रिज कुमार दुबे शिवम द्विवेदी पुत्र रोहित कुमार द्विवेदी अंजनी कुमार द्विवेदी पुत्र ध्रुव कुमार द्विवेदी नितेश कुमार द्विवेदी पुत्र अशोक द्विवेदी सुजीत कुमार तिवारी पुत्र सालीग्राम तिवारी निवासी ग्राम सिमरी तालुका पुरवा थाना करछना सभी ने मिलकर सुशील कुमार पांडे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडे से उनके शरीर पर कई बार किए, जिसकी वजह से उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के लिखित तहरीर करछना थाने में की गई। बताया जाता है कि जिन्होंने मारपीट की वह भू माफिया है, गांव की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, मना करने पर मारपीट करने पर उतारू होते हैं। ऐसे दबंगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनका मनोबल आगे न बढ़े। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे यहाँ नाप हो रही थी, हम और इरशाद अहमद कवरेज करने गए थे न्यूज, जिसमें सेमरी गांव के दिलीप कुमार द्विवेदी और क्या शिवम द्विवेदी अंजनी कुमार द्विवेदी नीतीश द्विवेदी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुजीत तिवारी मिलकर हमको मारे हैं, और जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया दाहिना। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार पांडे, हम प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर हैं।